25 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा, लेकिन ये ईवीएम मशीनें पोलिंग बूथ पर कैसे पहुंचेगी, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाएगी और कैसे ईवीएम मशीनों को सुरक्षा के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाएगा, ये जानकारी आज हम आपको देंगे। नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। जयपुर में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर हर जिले में जिला कलेक्टर मतदान की बागडोर को संभाल रहे हैं, तो वहीं जिलों में निर्वाचन आयोग द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। जयपुर जिले की बात की जाए तो जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और जयपुर जिले में जहाँ ईवीएम मशीनों का सेंटर बनाया गया है, वहां से ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ तक सुरक्षा के साथ भेजा जाएगा। इन सभी मशीनों को दो दो चरणों में भेजा जाएगा। पहली पारी सुबह 7 से 10 बजे तक होगी और दूसरी पारी 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। निर्वाचन विभाग ने पोलिंग पार्टियों की रवानगी की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए जिले में अलग अलग 19 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए हैं। ये चेक पोस्ट पर पोलिंग पार्टी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से टोकन कार्ड दिया जाएगा और इस टोकन कार्ड को चेक पोस्ट प्रभारी को जमा करवाए बिना पोलिंग पार्टी आगे नहीं जा सकती। चलिए जानते हैं कहां से रवाना होगी पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीनों को लेकर। सबसे पहले बात करें जामियातुल हिदाया मुस्लिम यूनिवर्सिटी रामगढ़ रोड की, तो यहां प्रथम पारी में कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा और दूसरी पारी में जमवारामगढ़, बस्सी, हवा महल विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। अब बात करें भवानी निकेतन शिक्षा समिति सीकर रोड की, तो यहां प्रथम पारी में चौमू, फुलेरा, आमेर, झोटवाड़ा और दूसरी पारी में विद्याधर नगर, किशनपोल, सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की पार्टियों को रवाना किया जाएगा। वही बात करें राजस्थान कॉलेज जेएलएन मार्ग की, तो यहां प्रथम पारी में दूदू, चाकसू, बगरू और दूसरी पारी में सांगानेर, आदर्श नगर, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। 25 नवंबर को चुनाव होने के बाद ये सभी ईवीएम मशीनें सभी जिलों के जिला मुख्यालय में जमा हो जाएगी और सुरक्षा तैनात की जाएगी। उसके बाद सभी प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में उस कमरे को सील पैक किया जाएगा। अगर जयपुर की 19 जिलों की 19 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में इनकी मतगणना होगी। जयपुर के 19 जिलों की ईवीएम मशीनें राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में जमा होगी। बात करें राजस्थान कॉलेज की, तो यहां 9 विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनें जमा होगी, जिनमें झोटवाड़ा, बगरू, दूदू, सांगानेर, आदर्श नगर, सिविल लाइंस, मालवीय नगर, हवा महल और कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र शामिल है। वही बात करें कॉमर्स कॉलेज की, तो यहां 10 विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनें जमा होगी, जिनमें चोमू, फुलेरा, चाकसू, किशनपोल, विद्याधर नगर, आमेर, विराटनगर, जमवारामगढ़, बस्सी और शाहपुरा शामिल है। 3 दिसंबर को मतों की गणना के बाद ही प्रत्याशियों की जीत और हार का पता चलेगा। किसके भाग्य का होगा उदय और किसके भाग्य की होगी हार, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए नगरी न्यूज। नमस्कार।